Brown, 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 brown. It's the motherfucking eagle गैस देखो मुझे भी पता एंड आप लोगों को भी पता होगा कि जो फैन वगैरह होते हैं वो बनते हैं मोटर और बैटरी से आप लोगों को क्या लगता है मैं मोटर और बैटरी का यूज करूंगा बिल्कुल नहीं कैस आज की इस वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दो कमाल के हैंड फैन बनाकर लाए हैं एंड इनको बनाने के लिए मैंने बेसिकली पेपर और बोटल का यूज किया है जो कि हर किसी के घर में मिल जाएगा एंड यहाँ पर मैंने किसी भी तरह के मोटर बैटरी वायर इन सभी चीज का यूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ये सभी चीजें सभी के पास नहीं होंगी इसलिए मैंने उन चीजों का यूज किया जो कि सभी के घर में अवेलेबल होंगे तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा तो चलिए तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं नंबर वन सो गाइस हमारे पहले हैंडप को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने नोटबुक को ले लिया गाइज इसमें से हम लोग एक नोटबुक के कवर को निकालेंगे सो so गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप से इसको कैचिंग की के मदद से कट करके निकाल लिया अब एक स्केल की मदद से हम लोग इसके ऊपर एक रेक्टेंगल शेप के डिजाइन को ड्रॉ करेंगे एंड इसको कट कर लेंगे तो टोटल हमें तीन पीसेस की जरूरत पड़ेगी अब हम लोग इनमें से किसी एक टुकड़े के ऊपर कुछ इस टाइप से ग्लू लगा देंगे एंड दूसरे वाले के इसके ऊपर चिपका देंगे सेम तरीके से हम लोग अपने अपने दूसरे टुकड़े के ऊपर भी कुछ इस टाइप से ग्लू लगा देंगे एंड तीसरे वाले के कुछ इस टाइप से इसके ऊपर चिपका देंगे तीनों को अच्छे चिपकाने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर अपने स्केल को रखेंगे एंड इसके किनारे से कुछ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन को बना देंगे एंड इसके अंदर भी हम लोग एक रेक्टेंगल शेप के डिजाइन को यहाँ पर बना लेंगे जैसा की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से इस रेक्टेंगल शेप को बनाने के बाद अब हम लोग इस स्केल को इसके ऊपर रख देंगे एंड इसके मिडिल से एक लाइन को खींच लेंगे उसके बाद फिर से हम लोग इसके ऊपर अपने स्केल को रखेंगे एंड इसके बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर मार्क लगा देंगे एंड इसको कुछ इस टाइप से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अब सिंपल से हम लोग इसके ऊपर एक सिंपल से प्रोपेलर के डिजाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से एंड इसको हम लोग कैची की मदद से कट करके निकाल लेंगे इस प्रोपे प्रोपेलर को बनाना काफी ज्यादा सिंपल है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको काफी अच्छी तरह से कट कर लिया इसके ऊपर मैं एक ब्लू कलर के पेपर को चिपका दूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड इसको हम लोग थोड़ा सा बैंड कर लेंगे कुछ इस टाइप से अब मैंने यहाँ पर एक और पेपर ले लिया इसको हम लोग कुछ इस टाइप से कोने से फोल्ड करते हुए हम लोग इसका एक पतला सा रोल बना लेंगे एंड इसको हम लोग फिविकॉल की मदद से चिपका देंगे गाइज मैंने आप लोग को बताना भूल गया कि आप लोग कलर पेपर के जगह पर अपने नोटबुक के पेपर का भी यूज कर सकते हो अब गाइज हम लोग अपने प्रोपेलर के पीछे वाले हिस्से में कुछ इस टाइप से ग्लू लगा देंगे एंड हम लोग अपने रोल को कुछ स्टाइप से चिपका देंगे फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको चिपकाने के बाद ये हम लोग को कुछ इस टाइप से दिखेगा अब गाइस यहाँ पर मैंने एक बोटल ले लिया है मैंने छोटा वाला लिया आप लोग के पास जो भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो इसके ऊपर जो रेपर लगाता है इसको हम लोग कट करके हटा देंगे सो गायस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो मैंने इसके रेपर को काफी अच्छी तरह से हटा दिया है अब गाइस इस बोटल में से हम लोग इसके कैप को कुछ इस टाइप से निकाल लेंगे निकालेंगे इस कैप के बिल्कुल बीचों बीच में हमें एक होल बना लेना है कुछ इतना बड़ा अब दोबारा से हम लोग अपने बोटल को लेंगे एंड कुछ इस टाइप से इस कैप को इसके अंदर लगा देंगे अब गाइस इस बोटल के मैंने पीछे वाले और इस वाले हिस्से में मार्क लगा दिया है इनमें हम लोग होल बना लेंगे होल बनाने के लिए हम लोग कैची का यूज करेंगे इससे ये पर पर होल हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें कुछ इतना बड़ा इसमें होल बनाना है अब हम लोग अपने लो इस प्रोपेलर को लेंगे एंड इस होल में कुछ इस टाइप से डाल देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको डालने के बाद हम लोग का ये जो प्रोपेलर है ये यहाँ पर फ्री घूमना चाहिए अब गाइस यहाँ पर हम लोग सिंपल से इस बॉटल को यहाँ से निकाल लेंगे कुछ इस टाइप से उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने एक धागे को ले लिया इस धागे को हम लोग अपने पेपर रोल के बिल्कुल मिडिल में बहुत ही टाइट करके बांध देंगे एंड हम लोग अपने कैप के अंदर से इस धागे को कुछ इस टाइप से निकालेंगे दूसरे एंड को यहाँ पर हम लोग अपने रोल को कुछ इस टाइप से निकाल लेंगे उसके बाद इस धागे के दूसरे एंड को हम लोग अपने बॉटल के अंदर से डालते हुए वो जो हम लोगों ने होल बनाया था उस होल के अंदर से हम लोग इसको निकाल लेंगे तो गाइज इसको निकालना काफी ज्यादा ईजी है जैसा की यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको निकालने के बाद अब हम लोग सिंपल से अपने रोल को कुछ इस टाइप से इसके अंदर डाल देंगे इसके पीछे से भी हम लोग इस रोल को निकालेंगे एंड इसके ढक्कन को हम लोग अच्छी तरह से कस करके यहाँ पर टाइट करके लगा देंगे सो so गायस यहाँ पर आप लोग देखते तो कुछ इस टाइप से मैंने इसके ढक्कन को काफी अच्छी तरह से लगा दिया है उसके बाद गायस यहाँ पर मैंने एक और बोटल के रिंग को ले लिया है। इस रिंग में हम लोग कुछ इस टाइप से अपने धागे के दूसरे एंड को बांध देंगे बस ये हम लोग का बन चुका एक सिंपल सर काफी ज्यादा पावरफुल हैंड पेन सो so गायस इसको चलाने के लिए सबसे पहले आप लोग इसके अंदर धागे को रोटेट कर लेना है इसको जब आप लोग खींचोगे तो ये काफी तेजी के साथ घूमने लगेगा इसकी टेस्टिंग हम लोग लास्ट में करेंगे चलिए बना लेते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉय को नंबर टू गाइज हम लोग का सेकंड वाला हैंडफेन इतना ज्यादा मजेदार है की इसको देखने के बाद आप लोग बोलोगे क्या कारीगरी है सो so गैस इसको बनाने के लिए पर मैं नॉर्मली एक पेपर को ले लिया कलर पेपर की जगह पर आप लोग नोटबुक के पेपर का भी यूज कर सकते हैं इसका हम लोग एक पतला सा रोल बना लेंगे उसके बाद गैज यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया इस पेपर को हम लोग कुछ इस टाइप से किनारे से एक बार इधर से फोल्ड करेंगे देन इसको हम लोग पलट देंगे उसके बाद हम लोग इसके दूसरे साइड से भी बिल्कुल सेम तरीके से फोल्ड कर लेंगे फिर से हम लोग इसको पलट देंगे एंड कुछ इस टाइप से इसको फोल्ड करेंगे फिर से हम लोग इसको पलेंगे फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह करते करते लास्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको अच्छी से फोल्ड करने के बाद ये हम लोग को कुछ इस टाइप से दिखेगा अब इसको बिल्कुल बीच से हम लोग कुछ इस टाइप से मोड़ लेंगे एंड यहाँ पर आप लोग देख देखते ये कुछ इस टाइप से दिखेगा इस वाले किनारे के ऊपर हम लोग ग्लो लगा देंगे एंड कुछ इस टाइप से इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से इसको ज्वाइन करने के बाद अब मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम तरीके का एक और पहले से बना कर रखा था इन दोनों को हम लोग आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो सिंपल से यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा दूंगा एंड कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पर चिपका कर फिक्स कर दूंगा सो गाइस फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों को चिपकाने के बाद ये हम लोग को कुछ इस टाइप से दिखेगा तो ये हम लोग का एक बड़े साइज का बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है अब गाइस हम ग रोल को ले लेंगे जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बना कर रखा था इसको हम लोग यहाँ पर चिपकाएंगे तो इसके लिए भी यहाँ पर मैं ग्लू का यूज करूंगा सो so फाइनली पर आप लोग देख सकते हो तो इसको चिपकाने के बाद ये हम लोग का बल चुका है वर्ल्ड सिंपलेस्ट हैंड फैन जिसका यूज आप लोग गर्मी के दिन में यूज कर सकते हो चलिए मैं आप लोग इसके एयर टेस्ट करके दिखाता हूँ इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते कुछ इस टाइप से पर एयर प्रोड्यूस करेगा एंड इसको बनाकर आप लोग अपनी मम्मी या फिर दादी जी को देख सकते हो उनको काफी ज्यादा पसंद आएगा ये काफी ज्यादा लाइट वेट है इसका यूज आप लोग इजिली कर सकते हो तो चलिए टेस्ट करते हैं हम लोग अपने दूसरे हैंड फैन को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग ये वाला जो है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पर, तो पर आप लोग देख सकते हम लोग का ये वाला जो है वो यहाँ पर काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है चलिए मैं आप लोग का इसका भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ न्यूज पेपर पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग जो है वो काफी अच्छी तरह से पर हवा प्रोड्यूस कर रहा है इसको बनाना काफी ज्यादा सिंपल है इसका यूज आप लोग गर्मी के दिनों में कर सकते हो गाइस आप लोग ये दोनों हैंड फेन कैसे करके जरूर बता वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय